नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है RT 809H प्रोग्रामर के ऊपर। तो ये जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये मैंने आज ही लिया है, यानी कि मंगवाया था तो आज जाके आया है, और इससे आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट भाषा में बताओ तो सभी अटके हुए काम इससे हो जाएंगे। इसके साथ आती है ये केबल, एक लगती है प्रोग्रामर में और एक लगती है कंप्यूटर में अटैच करने के लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों क्लियर बात बता दूँ, ये प्रोग्रामर लेना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इंडिया में ये 12,000 से 15,000 के बीच में मिलता है, सब सामान के साथ लो तो। ये इसके साथ कंपोनेंट्स आते हैं, इससे आप आपका लैपटॉप बायोस, सेट टॉप बॉक्सेस, एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्सेस, LCD LED 4K स्मार्ट TV सब कुछ प्रोग्राम कर सकते हो जो कि डेड हो चुके हैं। तो ये दोस्तों मैंने पहले ही आपको क्लियर बताया है कि ये सभी सामान इसके साथ, जो कंपोनेंट्स आते हैं सभी इसके साथ में अगर लोगे आप तो 15 से भी ऊपर इसकी कीमत जा सकती है। आज के टाइम में कोरोना वायरस आने से पहले थोड़ा सा ये सस्ता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल मिलना ही मुश्किल है कम भाव में। और मैं आपको एक एक करके इसके सामान बता देता हूँ कि इसके साथ क्या क्या सामान है। तो दोस्तों एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक हाथ में जो है मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, एक हाथ से ये सामान भी बता रहा हूँ। ये देख लो, 150 ml, 200 ml, 300 ml सब कुछ के जो है जम्पर है, सॉकेट एडाप्टर सब कुछ है इसके साथ में। तो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी दोस्तों आपको वीडियो देखने में तकलीफ़ आ सकती है क्योंकि स्टैंड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, जो है हाथ से मोबाइल मैंने पकड़ा है। और ये देख लो, 4K स्मार्ट TV वगैरह सॉफ्टवेयर करने के लिए ये सारी प्लेटें वगैरह सब कुछ साथ में आई है। तो ये देख लो दोस्तों, जो जो बंदे LCD LED 4K TV रिपेयर करते हैं या करना चाहते हैं, वो तो इन जो है कंपोनेंट्स को देखकर समझ गए होंगे कि ये किस काम आते हैं। बाकी फ़िलहाल में हमने जो है दोस्तों 4K TV वगैरह का भी हम काम कर रहे हैं, इस कारण से मैंने ये बड़ा प्रोग्रामर मंगवाया है। मैं चाहता तो RT 809F जो कि इससे कम का आता है, आधी कीमत में मिलता है, वो भी ले सकता था, लेकिन मैंने ये लिया। तो ये मुझे पड़ा है अभी के टाइम में लगभग 12,500 रुपये में, लेकिन वो भी यूज़ किया हुआ है। ये यूज्ड नए की तो बात नहीं है, ये यूज़ किया हुआ ही 12,500 में लिया है मैंने। नए की तो पूछो मत, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी की कंडीशन में ना RT 809F मिल रहा है ना H मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत जो है दिक्कत वाला हो गया अभी कोरोना वायरस के टाइम में। और ये रहा हमारा प्रोग्रामर RT 809H यूनिवर्सल। तो अगर बहुत से लोगों को जो इंडिपेंडेंट वाले सेट टॉप बॉक्स में सॉफ्टवेयर करने में दिक्कत आती है, तो वो सारे काम इससे हो जाएंगे जो कि आपके 500 रुपये वाले से होने रहते वो इससे हो जाएंगे। मगर एक बात क्लियर है कि ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले जो है मैं ये 500 रुपये वाले प्रोग्रामर से करता था, और अभी जो है मैंने ये मंगाया, क्योंकि बहुत से सेट टॉप बॉक्सेस की फ्लैश ICs जो है ब्राइट और इरेज और ब्लैंक हो नहीं पाती है छोटे वाले प्रोग्रामर में, लेकिन वही उन्हीं ICO पे प्रोग्राम हो जाता है इस प्रोग्रामर के द्वारा, लेकिन ये मिलता ही बहुत महंगा है। तो फ़िलहाल में ये हमने मंगाया क्योंकि हमारे पास दोस्तों डेली के 2-3-4-5 सेट टॉप बॉक्सेस, 10 सेट टॉप बॉक्सेस कभी कभी इकट्ठे आते हैं, बीच में अगर आता है इकट्ठा तो कुछ बंदों के होते हैं, कुछ के होते नहीं है। फ्लैश IC फिर अभी मिल नहीं रही है वायरस के टाइम में, आगे से आ नहीं रही है, तो इस कारण से हमने ये वाला प्रोग्रामर मंगाया है। और ये इसके साथ ये CD मिलती है, इस पे लिखा भी है विंडोज 7 में इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन आज के ज़माने में इसका कोई काम नहीं क्योंकि बंदे नेट से ही इसका सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा इसका लुक है, और इसके अंदर भी और भी सामान है, ये देख लो। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर इतने पैसे लगे हैं तो साथ में कुछ सामान भी आता है, ये देख लो। वीडियो देखने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक और हाथ से सामान वगैरह मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सामान आया है।
तो जिन बंदों को 4K टीवी, LCD, LED, लैपटॉप वगैरह, BIOS वगैरह प्रोग्राम करने होते हैं, ये सभी उनके लिए है। और अगर आपको खाली सेट टॉप बॉक्स ही करना है तो ये चिमटा आपके काम आ जाएगा। वैसे आपको एक सिंपल बात बताऊँ तो ये चिमटा कोई काम का नहीं मेरी नज़र में तो, क्योंकि अधिकतर बार तो ये IC डिटेक्ट ही नहीं करता है, इसीलिए फ्लैश IC निकालना ही पड़ता है हमेशा, इसीलिए मैं फ्लैश IC निकाल के करता हूँ प्रोग्राम। बाकी ये सभी सामान आपको दिख रहे होंगे ये। और दोस्तों, जिन भी बंदों को इंडिपेंडेंट वगैरह के सेट टॉप बॉक्स में फ्री वाला सॉफ्टवेयर डलवाना हो वो मेरे एड्रेस पर भिजवा सकते हैं बिल्कुल। पहले मैं जो है मंगवा नहीं रहा था, लेकिन अब बिल्कुल भिजवा सकते हो। मैंने आज ही लगभग 20 इंडिपेंडेंट के सेट टॉप बॉक्सेस को सॉफ्टवेयर किया है और बढ़िया से चल रहे हो। बाकी ये देख लो इसके साथ जो भी सामान आते हैं। और ऐसे तो दोस्तों RT 809H के अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह के बहुत से लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन जो है मेरे वीडियो थोड़े उनसे हटके होते हैं, थोड़े अलग टाइप के नॉर्मल वीडियो होते हैं। इस कारण से मैंने भी जो है अनबॉक्सिंग और ये सामान क्या क्या आता है इसका वीडियो बना के मैं जो है अभी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। बाकी ये देख लो, अगर आप भी कभी लो तो ये सब सामान होना ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये काम पड़ ही जाता है इन सामानों का, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स तो इतना सामान है इसके साथ में, और ये रहा हमारा प्रोग्रामर। तो दोस्तों, इस प्रोग्रामर में बहुत से फ्लैश IC का डेटा है, जो कि 500 MB, जो 500 रुपये वाला जो प्रोग्रामर आता है उसमें बहुत सी फ्लैश IC का डेटा होता ही नहीं। बहुत सी फ्लैश IC जो है नई होती है वो इरेज और राइट हो नहीं पाती है, तो वो फ्लैश IC भी ये बड़े वाले प्रोग्रामर में हो जाएगी। तो ये रहा मेरा पुराना वाला 500 रुपये वाला प्रोग्रामर, लेकिन ये भी बहुत काम का है। लेकिन ये वाला इसका बाप है, बाप यानी कि अब समझदार वो बच्चा है इसके सामने। तो दोस्तों, आज का वीडियो तो बस इतना ही था। बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई जानकारी के साथ। और अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।